आपके बच्चे अगर खाना खा के सो रहे हैं तो आप मेंटली तौर पे सुकून का शिकार है। अगर आप 2-3 दिन काम नहीं भी मिलता तो फाइन लिविंग आपको राशन प्रोवाइड कर देती है। आप उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद आप काम मिल जाता है तो आप फिर उसके पैसे जो ना पे करें। इनके बेटे का ID कार्ड है वो वैसे ले आएंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ कस्टमर के ID कार्ड की है। ऐसा मजदूर आदमी जिसकी इनकम जो है ना तकरीबन डेली की 1000 तक है या 700 या 800 तक है, तो उसकी इतनी बैंक पावर नहीं कि जाके इकट्ठी ग्रोसरी कर सके। तो फाइन लिविंग जो है उसको राशन पूरे मंथ का उसके 2 स्टेप पे प्रोवाइड करता है और उसकी ईजी इंस्टॉलमेंट बना देता है। मेरे हस्बैंड रिक्शा ड्राइवर हैं और वो मंथली हम लोग ना परचेस नहीं कर सकते, राशन नहीं खरीद सकते। हमारे लिए ये ईजी हो गया कि हमारा अगर हमारे पास पैसे ना भी हों तो हम घर का चूल्हा तो चल सकता है ना, हमारे बच्चे तो खा सकते हैं, भूखे तो ना रह सकते। हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस थे बचपन के जो हमने फेस किए। फादर जो हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एज अ ड्राइवर जॉब करते हैं। इतनी कम सैलरी में हम 8 बहनें हैं और 8 बच्चों को खाना भी है, उनको पढ़ाना भी है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि हम कुछ खाने को है और कुछ खाने को शाम को जो है वो नहीं है। तो दुकानदार हज़ार के पास जब हम जा रहे होते थे उधार के लिए तो उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के ज़्यादा वो हमें राशन भी नहीं दे सकता। तो अब जो गरीब आदमी है जिसकी सैलरी इतनी इनकम नहीं है या सेकंड टाइम वो जॉब नहीं कर रहा तो फिर क्या करें, फिर उसके बच्चे जो है ना वो भूखे होते हैं उस टाइम। तो इस इन एक्सपीरियंसेस को हमने बचपन में फ़ेस किया हुआ था। तो कहीं ज़हन में ये आइडिया ज़रूर था कि इन फ्यूचर कभी भी लाइफ में हम जो है ना कुछ इस तरह काम ज़रूर करेंगे कि जो मुश्किल हालात हमने फ़ेस किए हैं बचपन में हमारी तरह के दूसरे बच्चे बच्चियाँ हैं वो इसका मतलब इस परेशानी का शिकार ना हो। एटलीस्ट वो रात को खाना खा के ज़रूर सकें। मैट्रिक के बाद फादर ने कहा था कि अगर अब तुमने आगे पढ़ना है तो तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अगर हम एक ही बेटी को पढ़ाएंगे तो फिर बाकी जो पीछे 7 हैं उनका क्या होगा। पढ़ने का शौक़ था, एक जज्बा भी था, तो खुद से जो है ना हमने स्ट्रगल शुरू की। सबसे पहले जो मेरी अर्निंग थी वो तकरीबन दुपट्टे काटने से मैंने स्टार्ट की, क्योंकि कॉलेज जाना था तो बुक्स लेनी थी। उसके बाद फिर ट्यूशन्स बच्चों को पढ़ाना शुरू की, उसके बाद फिर अकेडमीज़ में पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जो है ना फिर अपनी जो है ना बैंक में जॉब स्टार्ट कर दी। बैंक में जॉब के बाद फिर मैंने शादी के बाद फिर मैंने B.Ed कंप्लीट किया। उसके बाद फिर दोबारा मैंने एकेडमी बनाई एक अच्छे लेवल की, उसमें भी काफ़ी बच्चों को जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही होती थी। ऐसी बच्चियों को मैं ज़रूर हेल्प करती थी जो घर से पढ़ने के लिए आती थी लेकिन उनके माँ बाप जो ना फ़ी पे नहीं कर सकते थे। तो जैसे ही हालात थोड़े स्टेबल हुए तो फिर मैंने इस बिज़नेस को जो ना इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो करना शुरू कर दी। वेरिफिकेशन का तरीकाकार ये होता है कि हम ID कार्ड की कॉपी लगाते हैं, साथ एक पिक्चर लेते हैं या घर का कोई बिल अगर वो देना चाहें तो वो करते हैं। उसके बाद हम उनके घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद हम उनकी नेबर चेक होता है, उससे पूछते हैं कि भाई इनकी क्या जो है ना वो वर्थ है, आया कि ये प्रॉब्लम तो नहीं कोई करेंगे। अगर आप किराएदार हैं तो फिर मालिक मकान की गारंटी हम लोग लेते हैं। गारंटी के बाद हम राशन उनके 2 स्टेप पर प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली खर्चों को मीटअप करने के लिए हमें बल्क परचेजिंग में जाना पड़ता है। हमने बीच में से मिडल मैन को निकाल दिया है। जब हम कस्टमर को राशन दे रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट पे तो हम उनको मार्केट प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं, उससे हम अपने एक्सपेंडिचर जो है ना मीटअप कर रहे होते हैं। अगर वॉकिंग कस्टमर हैं आप मेरे पास ग्रोसरी करने आते हैं तो आपको मार्केट से होलसेल प्राइस पे कस्टमर को वो चीज़ मिलेगी। आमतौर पर होलसेल प्राइस दुकानदारों को जो है ना वो दी जाती हैं। ज़्यादातर वो ख़वातीन हैं जो डिवोर्स्ड हैं या बेवा हैं और घर के खर्चे उनसे मीटअप नहीं होते, वो ना ही उनको कोई जॉब दे रहा होता है। मेरी कोशिश होती है मैं उन लेडीज़ को जॉब दूँ वो पढ़ी लिखी नहीं है या हुनरमंद नहीं है या फिर ये कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। मैं उनको पास बुलाती हूँ, उनको एक तो वो मिलती हैं कस्टमर से, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें बातचीत का जो है ना वो जब करती हैं किसी से तो कॉन्फिडेंस उनका एक तो डेवलप होता है। फिर उनको काम सिखाती हूँ। उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल उनको कर देती हैं वो किसी भी अच्छे अगर सुपर स्टोर मार्केट में जाके एज अ सेल गर्ल जॉब करना चाहें तो एक अच्छी सैलरी पे जा सकती हैं वहाँ पे।